नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय खवास। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको जीने की सोच बदलने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं, एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए। तो दोस्तों, एक दिन एक किसान का बैल गड्ढे में गिर गया। बैल गड्ढे में गिरने के बाद जोर जोर से रोता रहा, चीखता रहा, और किसान सुनता रहा और सोचता रहा कि अपने बैल को गड्ढे से बाहर कैसे निकाले, और वो अगर गड्ढे में उतरेगा तो बैल को बचाने के चक्कर में वो गड्ढे में फंस जाएगा। और बहुत देर तक सोचने के बाद अंत में उसने ये निर्णय लिया कि बैल बहुत बूढ़ा हो गया है और अब ये मेरे किसी काम का तो रहा नहीं है, इसलिए इसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। किसान फावड़े से गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। जैसे ही बैल को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो जोर जोर से चीखने लगा और अचानक बैल शांत हो गया। किसान कुएं में मिट्टी डालते रहा। तभी किसान ने गड्ढे में झाँक कर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। किसान ने देखा कि अपनी पीठ पर पड़ने वाली हर फावड़े की मिट्टी के साथ बैल आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस मिट्टी पर चढ़ जाता। जैसे जैसे वो किसान उस बैल पर मिट्टी गिराता, वैसे वैसे वो बैल हिल हिल कर मिट्टी को नीचे गिराता जाता और एक सीढ़ी की तरह उस मिट्टी पर चढ़ जाता। और जल्दी ही किसान को आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल गड्ढे के किनारे तक पहुँच गया और फिर कूद कर गड्ढे के बाहर निकल आया। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी और बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, और कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हार मानकर गड्ढे में ही नहीं पड़ा रहना, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसी की सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसियाना बना ले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।